आई 3 20 हो चुके हैं और लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। सर बाजार ग्लोबल मार्केट्स एटलीस्ट तो थोड़े और खराब हो गए हैं लास्ट स्ट्रेटजी से। अब तक अब 150 पॉइंट नीचे नैसडैक माफ कीजिए डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं और नैसडैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। आधे आधे परसेंट का कट आपको दोनों फ्यूचर्स पर आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी आधे से 1% की गिरावट है। कच्चा तेल 84 पर है, रुपया 14 पैसे कमजोर है। बताएं सर क्या करके जाना है, कुछ ऐसा बड़ा इवेंट तो नहीं आज शाम मार्केट के लिए? थोड़ा हाउसिंग डेटा आएगा अमेरिका का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पॉलिसी बैठक के मिनट्स आएंगे, कुछ ऐसी बड़ी ट्रिगर नहीं आज शाम के लिए, क्या करके जाना है सर? देखिए अपने यहाँ तो कोई खराबी दिख नहीं रही आज ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बाजार 18100 को होल्ड कर रहे हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 42300 को, तो क्लोजिंग भी अच्छी होती दिख रही है। और स्पेशली दो दिनों की मजबूती के बाद आज जो संकेत थे खराब होने के लिए, आज दिन परफेक्ट था। PFIs की सेलिंग फिर से आ सकती है, ग्लोबल मार्केट उतना सपोर्ट नहीं, और ऊपर से दाव फ्यूचर देखो 150 नीचे, उसके बावजूद हम गिर नहीं रहे। सो आई थिंक या तो ऐसा है कि हमें कल गिरना पड़ेगा या फिर ऐसा कि हमें देख के डाउ फ्यूचर सुधर जाएंगे और डाउ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि दो दिनों में 1000 पॉइंट हो चुका है। अब इन दोनों में से क्या होगा मुझे पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। सो अपने सिंपल सा ये फॉर्मूला रखना है कि अभी भी ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम रखें या फिर रखें तो हेज से। हेज कैसे होनी चाहिए, 150 पॉइंट तक ऊपर नीचे खुले तब तक तो आप कंफर्टेबल रहिए, उससे ज्यादा खुले तो फिर आपके पास हेजिंग होनी चाहिए। तो आप ये समझिए आपकी लॉन्ग पोजीशन है 17900 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं, और शॉर्ट है तो 18300 का 17900 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग है तो, तेजी की पोजीशन है तो, जिससे आपकी हेजिंग हो जाएगी। और अगर आप शॉर्ट है तो 18300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है, नहीं है अभी, नया कुछ नहीं, जो है वो संभाल लो, उसमें भी कम रखो और नहीं कल जैसा खुलेगा वैसा। देखो ये मार्केट है ना, आपको रोज मौका दे रहा है दोनों तरफ का, आज भी छोटा ही सही दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, और अगर मौका नहीं दे रहा है तो फिर करना भी क्यों है आपको, राइट? सो इसलिए शांति रखें। बैंक निफ्टी 42300 के आसपास बंद हो रहा है, यहाँ पे भी नया ट्रेड बनाने की राय नहीं है। लॉन्ग है 42000 का पुट जरूर रखें, शॉर्ट है 42500 या 42600 का कॉल ऑप्शन जरूर खरीदें, बस और कुछ ना करें। पता नहीं जो हिसाब से आज बाजार गिरने से इनकार कर रहा है, ये हो सकता है दो दिन डाउ गिरने के बाद आज डाउ रिकवर हो जाए, शायद हमारे बाजार कहीं कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की दो चीजें हैं, डाउ और उसके बाद आज के एफआईएस के आंकड़े। ऐसा लग रहा है एफआईएस ने भी ज्यादा बेचा नहीं होगा आज, ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा हल्की होती हुई नजर आ रही है। ये तो फ्रेश पोजीशन कुछ नहीं बनानी है, उसको मिनिमम करके हेज करके चले, मिनिमम करके हेज करके चले। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। 18100 के एग्जैक्ट लेवल पर आपको निफ्टी समय दिख रहा है। आइए कुछ और नंबर्स की बात करनी है। आरबीएल बैंक अभी इस चार्ट पर हम चर्चा कर ही रहे थे, एक बार नंबर्स भी जान ले कैसे रहेंगे।